है व्हाट्सएप पे पूछ लिया होता। वैसे भी खाना खाने के बाद मुझे बहुत नींद आती है और सो जाऊंगा तो मेरा नाटक अधूरा रह जाएगा। जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। इस मामले में मेरा एक मशवरा मानेंगे? मशवरा? बड़ी समझदार हो गई हो अप्पू की अम्मा। पहले तो हुकुम चलाती थी, अब सलाह दे रही हो। वर्ल्ड हस्बैंड है क्या? आपने चाय मांगा था ना, और आपका व्हाट्सएप भी खुला है, तो ठीक है, मैं चाय भी व्हाट्सएप पर ही भेज देती हूँ, उसी में पी लेना। एक कप नहीं, पूरे बाल्टी भर भेजूंगी, उसी में मुंह में लगाकर ही नाटक पूरा कर लेना। एक बाल्टी चाय? अरे एक बाल्टी चाय में मैं एक नाटक तो क्या, पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख डालूंगा। मैंने पूछा ये नाटक लिखने का भूख आपके सिर में आखिर डाला किसने? वो महापुरुष थे तुम्हारे पूज्य पिताजी, जिन्होंने मुझे लगातार 8 वर्षों तक अवार्ड दिलाए। भूल गए क्या? मेरे पिताजी का नाम मत लेना। खूब तो कॉमेडी सर्कल से पंचेस चुराकर नाटक लिखते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि संजय लीला भंसाली उस पर पिक्चर बनाएगा? और लिखा नाटक खुद अपना था। सुनो, अभी जो मैं लिखने वाला हूँ वो होगा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक। एक ऐसा नाटक जिसका नाम होगा मौत का रहस्य, और उसमें किरदार होंगे स्वयं यमराज। ये यमराज हो या धर्मराज, मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे तो चाय ही बनानी है ना। मैं चली चाय बनाऊं। हर
कामयाब कलाकार की जवानी 50 साल के बाद ही शुरू होती है। कुछ भी हो प्राणे, तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं और तुम्हारी मौत हो चुकी है, जल्दी जाओ। प्रभु, अखबार में एक खबर छपी थी कि 42 लोग पैदल चलते एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। क्या इसमें कोई मिस्टेक नहीं था आपका? अरे वो 42 वाली खबर सुनो, उसमें मरना तो दो ही लोगों को था, मगर बगल में 40 लोगों की भीड़ मेरे पैसे की चपेट में आ गई, सो उनकी एक उनकी मृत्यु हो गई। ये महत एक इत्तेफाक था, लेकिन ध्यान रहे इस रात को तुम किसी से कहना नहीं। इत्तेफाक, इत्तेफाक यानी किस्मत, यानी किस्मत किसी को कहीं भी ले जा सकती है, फिर तो किस्मत मुझे भी कहीं ले जा सकती है। तो प्रभु, क्या मेरी किस्मत में मेरे मित्र और परिवार जनों से मिलने का कोई स्कोप नहीं बनता है? किस्मत की किताब मेरे पास नहीं है मूर्ख, और मैं उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं। प्रभु, वो 42 वाली सुनो, वो तुम 42 मर्डर वाली बात किसी से मत करना। अब तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं लिए चलता हूं तुम्हारे यार दोस्तों के पास, मगर ध्यान रहे तुम मरे हुए हो, निष्प्राण हो। तुम उन्हें देख सकते हो, बोल सकते हो, मगर वो ना तो तुम्हें देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं। चलेगा प्रभु, चलेगा। की सेहत के लिए ठीक नहीं।
हो और बहन तो यहां कोई है नहीं। आप जानते होंगे महान नाटककार और हम सभी के मित्र खुशीराम हमारे बीच नहीं रहे। उनके आकस्मिक निधन पर उनकी आत्मा के शांति के लिए मिर्जा साहब आपसे गुजारिश करता हूं चंद शब्द कहें। आज है दुखी था दम मगर नाम था खुशीराम, गम में डूबी जिंदगी का नाम था खुशीराम। अजी क्या इसके नाटक थे, विवाद और त्रासदी के फाटक थे। खुद तो भिखारी था मगर भीख डालने में नंबर वन था खुशीराम। अपनी मर्जी का मालिक मगर गोरू का नाम था खुशीराम। नंदलाल जी आप कुछ जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है, सर झुकाती है, सर झुकाती है। साधु राम जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। अब मिर्जा साहब जरा अपना चश्मा देना, अपना भूल रहा हूँ। अरे ये चश्मा तो मेरा है। अरे मिर्जा के बच्चे चोर है, ये साधुराम की डायरी, अरे वो भी मेरी है, मेरे सारा दूसरे नाटक उसमें है, सब चोर है, सब चक्के है, बिकाऊ भी है। बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भरकर प्राणी, ये तो फिर भी तुम्हारे दोस्त हैं, जो आए हैं तुम्हारे लिए। चुप रहो और तमाशा देखो, मरने के बाद ये चश्मा, ये डायरी और कोई भी चीज तुम्हारी नहीं। तो क्या अब मेरी बीवी भी हमारी नहीं रही? कश्मीर और बीवी में एक समानता है, मानते हो? वैसे तो दोनों समस्या है, मगर जैसे ही पड़ोस की नजर उन पर पड़ती है बाल बचने लगता है। ये पड़ोसी होते ही ऐसे हैं। अब चुप रहो और तमाशा देखो। मेरा सुझाव ये है कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 5 मिनट का मौन रखा जाए। क्या 5 मिनट का मौन? देखिए देश के प्रधानमंत्री के लिए भी 2 मिनट का मौन रखा जाता है, तो क्या एक आम आदमी के लिए 5 मिनट का मौन संविधान का उल्लंघन नहीं होगा? ठीक कह रहे हो नंदलाल, जहाँ आम आदमी बिकता है सड़े हुए फल के दाम, बड़े बड़े लोगों की बात और है। ये तो थे कंजूस खुशीराम। ऐसा है दोस्तों, ठीक है 1.5 मिनट का मौन रख लेते हैं। अरे धोखी है सब, ये मेरा नाटक चला रहे हैं, सब धोखी है। मेरे मरने के बाद शोक सभा में मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। मानसिक संतुलन बनाए रखो प्राणी। संतुलन बना के होगा क्या प्रभु, जब किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। हो सकता है किस्मत में लिखा हो, कि कोशिश करने से ही मिलेगा। मौन की अवधि समाप्त। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए महान नाटक का परम आदरणीय हम सभी के मित्र खुशीराम जी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके अप्रकाशित नाटकों को छपवाएंगे। कुछ प्रकाशकों का मानना था खुशीराम को जाना पहचाना नाम तो है नहीं और ना ही उसने कभी कोई अवार्ड जीता था, फिर भी उनके स्क्रिप्ट की सेल वैल्यू बढ़ाने के लिए मैंने उनके तमाम नाटकों को अपने नाम से छपवाने का फैसला लिया है। आखिर इस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी जो हूं मैं। हाँ प्रकाशक जी। अरे पटेल के बच्चे, मैं तेरे खून पी जाऊंगा। पहले तो मेरे नाटक चुराया, अब उसको सीना ठोक के छपवाने की बात कर रहा है।
पापी, दोगी, बिकाऊ। और मेरा वादा है कि उन किताबों के प्रकाशन से जो रॉयल्टी आएगी उससे खुशीराम जी की पत्नी यानी अपनी प्यारी भाभी को जरूर दूंगा। बड़ा मेहरबान हो रहा है मेरी बीवी पर, लाइन मार रहा है। मैं तेरे रिक्वेस्ट पर यहां तिले लेकर आया था, मगर तू बहुत उचक रहा है। इसके आगे एक शब्द भी बोलो तो तुझे सीधे नर्क में ढकेल दूंगा। अरे तो ये क्या नरक से कम है, मेरा तो दम घुट रहा है। मुझे मेरे घर ले चलो प्रभु। ठीक है, चलो तुझे तुझे तुम्हारे घर लिए चलता हूं। राम के लिए आपसे मिलने चला है। क्या उम्र होगी आपकी?
कैसे कटेगी ये पहाड़ से लंबी Mm-hmm.